मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं टेक ट्यूबर। और कल 15 सितंबर को एप्पल ने अपना इवेंट रखा था ऑनलाइन। और पहली बात, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द प्रोडक्शन टीम जिन्होंने एप्पल का पूरा इवेंट शूट किया, बहुत अच्छी तरीके से शूट किया था। इट वॉज वर्थ वॉचिंग। आप अगर वो देखना चाहते हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, या फिर यहाँ आई बटन पे लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। एक घंटे का है, बट आई एम टेलिंग यू इट इज़ वर्थ वॉचिंग। बैक टू द पॉइंट, पहली बार हुआ होगा आई गेस एप्पल के पूरे हिस्ट्री में कि एप्पल ने सितंबर मंथ में कोई भी आईफोन लॉन्च नहीं किया। वी वेर ऑल वेटिंग फॉर एप्पल टू लॉन्च देयर न्यू स्मार्टफोन्स, बट एप्पल ने ये लॉन्च नहीं किया, मेनली बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन। तो एप्पल ने अपने दो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, विच इज़ आईपैड एंड एप्पल वॉच। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईपैड और एप्पल वॉच के बारे में, और क्या आपको ये प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए, और क्यों ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बेटर है अपने लास्ट या फिर किसी और प्रोडक्ट से। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। तो पहले हम बात करेंगे आईपैड्स के बारे में, और एप्पल ने दो आईपैड्स लॉन्च किए हैं। फर्स्ट इज आईपैड 8th जनरेशन एंड आईपैड एयर 4th जनरेशन। तो मैं पहले आपको बताता हूँ आईपैड एयर के बारे में। आईपैड एयर बेसिकली आईपैड 7th जनरेशन के जैसा ही है, बेसिकली आईपैड 6th जनरेशन के जैसा ही है। इन शॉर्ट, डिज़ाइन के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। सेम बेजल्स, सेम स्क्रीन साइज, सेम टच आईडी, सेम फीचर्स, सेम कीबोर्ड कनेक्शन, सेम पेंसिल सपोर्ट, बट इसमें आपको मिलेगा एप्पल का A12 प्रोसेसर। A12 प्रोसेसर एप्पल आईपैड एयर 3rd जनरेशन में था, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, और वो सेम प्रोसेसर आईफोन XS, XS मैक्स और XR में भी अवेलेबल है। तो इट इज़ वेरी कैपेबल प्रोसेसर। आई एम श्योर कि उसमें आपको 3GB का ही रैम मिलेगा, और स्टोरेज के मामले में इट इज़ 32GB एंड 128GB ऑप्शन। उसकी प्राइसिंग तो सेम है जस्ट लाइक 7th जनरेशन, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 29,900 फॉर 32GB वेरियंट, और आई गेस 40,000 फॉर 128GB वेरियंट। बट सबसे बड़ा चेंज है आईपैड एयर 4th जनरेशन के लिए। ये डिज़ाइन जो है ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है आईपैड प्रो 2018 से। सो सेम कैमरा बम्प, सेम थिन बेजल्स और सेम स्पीकर सिस्टम। ओवरऑल डिज़ाइन तो काफ़ी ज़्यादा सेम है, बट इसमें आपको फेस आईडी नहीं मिलता, इसमें आपको वही टच आईडी मिलेगा, बट इट इज़ इंटीग्रेटेड इन द पावर बटन। सो अगर आप पावर बटन क्लिक करोगे तो वो अनलॉक हो जाएगा। प्लस उसमें आपको मिलता है एप्पल का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर, विच इज़ एप्पल A14। और A14 प्रोसेसर 5 नैनोमीटर के साइज पे बना है, और ये अब तक कौन से भी प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है। एप्पल A14 लॉन्च होगा आईफोन्स में, बट उसके पहले ये लॉन्च हुआ है आईपैड एयर 4th जनरेशन में। और ट्रस्ट मी, ये सॉर्ट ऑफ बजट आईपैड है, और आईपैड प्रोज जो है अवेलेबल है, जो कि $800 के या फिर 72,000 के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आपको स्टिल A12Z प्रोसेसर मिलता है। तो आई फील A14 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा वो फ्लैगशिप आईपैड से भी, बट हाँ, लेटेस्ट प्रोसेसर आपको मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग आई फील। सेम स्टोरेज है, 64GB एंड 256GB स्टोरेज, और इसमें आपको एप्पल पेंसिल 2nd जनरेशन का सपोर्ट मिलता है बिकॉज ऑफ दिस डिज़ाइन। और उसी के साथ आपको मिलेगा एप्पल का मैजिक कीबोर्ड, विच इज़ द फ्लोटिंग कीबोर्ड। तो आपको फ्लोटिंग कीबोर्ड का भी सपोर्ट मिलेगा, और iOS 14 के साथ आएगा। सो आईपैड एयर को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रीडिज़ाइन किया है। एंड प्राइजिंग की बात करेंगे तो इंडिया में ये अवेलेबल है 54,900 में। आई फील दिस इज़ अ वेरी गुड डील, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये लैपटॉप से भी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। अब हम आते हैं एप्पल वॉच की तरफ, और एप्पल वॉच सीरीज 6 लॉन्च हो चुका है, विच इज़ एन इंक्रीमेंटल अपग्रेड ओवर एप्पल वॉच सीरीज 5, क्योंकि डिज़ाइन में तो कुछ इतना चेंज नहीं हुआ, बट इंटरनल्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए। एप्पल वॉच सीरीज 6 में पहली बार आपको मिलेगा ब्लड ऑक्सीजन मीटर, जो कि आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल कितना है वो चेक करेगा। उसके अंदर इंफ्रारेड सेंसर्स है, तो वो डायरेक्टली आपके व्रिस्ट से नर्व्स का पूरा डेटा लेके आपको आपके फ़ोन में या फिर आपके वॉच में वो पूरा डेटा दिखाएगा।
इन डिटेल जानने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, तो आपको उसमें पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दिस फीचर ये कोविड पैंडेमिक सिचुएशन के लिए ही ये फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ये ही उसकी एक हाईलाइट है। बाकी उसमें आपको मिलेगा एप्पल का S6 प्रोसेसर विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर वॉचेस, और ये प्रोसेसर बना हुआ है एप्पल के A13 प्रोसेसर से। फिर उसमें आपको मिलता है वॉच ओएस 7 और वॉच ओएस के कुछ फीचर्स। तो जैसे वॉच ओएस 7 में आपको बहुत सारे वॉच फेसेस मिलते हैं, अलग अलग वॉच फेसेस के काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन है। तो एक हो गया आपका नॉर्मल डिज़ाइन, रिंग्स वाला डिज़ाइन, फिर आपको मिलता है अलग अलग न्यूमेरिकल्स के डिज़ाइन, फिर आपको मिलता है क्लिप आर्ट वाला डिज़ाइन, उसमें आप अलग अलग कलर्स के अलग अलग क्लिप आर्ट डाल सकते हो, और सबसे बढ़िया फीचर है आप अपना मीमोजी उसमें ऐड कर सकते हो। एप्पल का जो फीचर है मीमोजी वाला, ये आप अपने वॉचेस पे ऐड कर सकते हो, और वॉच ओएस 7 का अपडेट आपके सारे वॉचेस को मिलेगा। बट ये जो ब्लड सर्कुलेशन का है, ये वाला फीचर सबसे नया है, और इसके जो सेंसर्स है ये सिर्फ एप्पल वॉच 6 में अवेलेबल है। तो मतलब एप्पल वॉच 5 या फिर 4 में आपको ये फीचर्स नहीं मिलेंगे। एप्पल वॉच 6 के साथ उन्होंने एक और एप्पल वॉच लॉन्च किया है, विच इज़ एप्पल वॉच SE। अब SE तो आप सबको पता है कि SE ये जो फोन्स के साथ स्टार्ट हुआ था, तो स्पेशल एडिशन एप्पल वॉच SE इज बेसिकली यू नो डिज़ाइन ऑफ एप्पल वॉच 5 एंड एप्पल वॉच 4, बट उसमें कुछ फीचर्स मिसिंग है। तो जैसे ये ब्लड ऑक्सीजन मीटर, ये वाला फीचर मिसिंग, बॉडी फॉल वाला सेंसर है बट ECG और ब्लड ऑक्सीजन मीटर इज मिसिंग। फिर आपको उसमें मिलेगा GPS वाला ऑप्शन और सेलुलर वाला ऑप्शन, तो आप उससे कॉल वॉल तो कर सकते हो, और आपको उसमें प्रोसेसर मिलता है एप्पल सीरीज 5 का। तो आई फील दिस इज स्टिल फाइन, क्योंकि सीरीज 5 का प्रोसेसर जो लास्ट ईयर का था वो भी ज़्यादा काफ़ी कैपेबल था, तो एप्पल वॉच SE के लिए भी आई थिंक इट्स फाइन। नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड सोलो स्ट्रैप्स, तो उसमें आपको नॉर्मल आपके बैंड जैसा ही मिलेगा, तो आपको आप डायरेक्टली वेयर कर सकते हो उसे। बहुत माइन्यूट डिटेल्स पे एप्पल ने फोकस किया है फॉर वॉचेस, और एप्पल वॉच सीरीज 4 और सीरीज 5 ये दोनों डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। तो अभी आपको मिलेंगे एप्पल वॉच सीरीज 3, एप्पल वॉच सीरीज 6 और एप्पल वॉच सीरीज SE। एप्पल वॉच सीरीज 6 जो है ये स्टार्ट होगा 39,900 में, और एप्पल वॉच SE जो है वो स्टार्ट होगा 29,900 में। सो आई फील फीचर्स के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और एप्पल वॉच यूजुअली ज़्यादा प्राइजी होते हैं, बट दे आर वर्थ। 16 सितंबर से iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7 और tvOS 14, ये सारे को अपडेट्स मिलेंगे। इंडिया में 10:30 PM के बाद आपके सारे प्रोडक्ट्स को iOS अपडेट मिलेगा, सो मेक श्योर कि आप उसे अपडेट करें और नए नए फीचर्स के बारे में जानें। और यस, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, दिस वाज अ क्विक वीडियो सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और iPhone 12 तो मोस्टली लॉन्च होगा अक्टूबर के मंथ में, तो उसका सारा डिटेल मैं आपको जल्दी से जल्दी ला दूंगा, और उसके सारे फीचर्स के बारे में ही बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस लाऊं और ऐसे ही टेक वीडियोस लाऊं। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ टेक ट्यूबर फैमिली। थैंक यू।